सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक माई YouTube चैनल हरीश प्रोजेक्ट्स, और मेरा नाम है हरीश चौधरी। सो आज हम बनाएंगे ये एक स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर। सो ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने दो वाटर पंप का यूज़ किया हुआ है, और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने Arduino का भी यूज़ किया हुआ है। सो इस प्रोजेक्ट से जो किसान होंगे वो अपने खेतों में वाटरिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस साइड ज़मीन सूखा रहेगा उस साइड ये वाटर ऑटोमेटिक दे देगा। सो ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है। आप चाहें तो इसको इंस्पायर अवार्ड के लिए भी बना सकते हैं, ये फिर आप अपने कोई भी साइंस एग्जीबिशन के लिए भी बना सकते हैं। सो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपना ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं, जहां से मैंने अपने PCBs को ऑर्डर किया है। आप यहां पर देख सकते हैं, इस वेबसाइट का नाम है JLC PCB। इस वेबसाइट से आप सिर्फ $2 में 5 PCBs ऑर्डर कर सकते हैं एनी कलर। आपको अपना PCB डिजाइन करना है और उसको गर्बर फाइल में सेव करके उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है, और अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने हिसाब से इसको सेट करना है, जैसे कि कलर, थिकनेस, MM, लेयर, मटेरियल्स। सो इन सभी को सेट करके आपको ऐड टू कार्ट कर लेना है, और आप इसको अपने कार्ट में जाकर इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। और जो PCB क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रांग है। न्यू यूजर्स को यहां पर $27 का कूपन भी मिलेगा। सो मैंने इस वेबसाइट का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप भी PCB ऑर्डर कर सकते हैं। सो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो भी सामान चाहिए उसको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए 2 सॉइल मॉइस्चर सेंसर, एक Arduino UNO और एक 5 वोल्ट रिले, 2 सर्वो मोटर्स, 2 वाटर पंप, और हमें चाहिए कुछ बैटरीज, छोटा सा ब्रेडबोर्ड, और इनको कनेक्शन करने के लिए हमें चाहिए जंपर वायर्स। सो चलिए जल्दी से हम इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। सो यह है इस प्रोजेक्ट का डायग्राम, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस डायग्राम को देख कर आप इजिली इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। और मैंने इसका डायग्राम और Arduino कोड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको देखकर आप इजीली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से हम इन सभी कंपोनेंट्स को कनेक्शन करते हैं। सो सबसे पहले मैं इस ब्रेडबोर्ड में इन दोनों जंपर वायर को कनेक्ट करूंगा, और इन दोनों जंपर वायर को हमें Arduino में कनेक्ट करना होगा। सो ब्रेडबोर्ड का ये जो रेड वाला लाइन दिख रहा होगा उसको हमें Arduino के 5 वोल्ट वाले पिन में कनेक्ट करना होगा, और ये जो ब्लू वाला लाइन दिख रहा है उसमें हमें Arduino के GND वाले पिन में कनेक्ट करना होगा। सो अब यहाँ पर हम इस सॉइल मॉइस्चर सेंसर का कनेक्शन करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर हमें इन जंपर वायर्स को कनेक्ट करना होगा। सो सॉइल मॉइस्चर का जो GND वाला पिन होगा उसे हमें ब्रेडबोर्ड के इस ब्लू वाले लाइन में, मतलब कि माइनस वाले लाइन में कनेक्ट करना होगा, और सॉइल मॉइस्चर का जो VCC वाला पिन होगा उसे हमें ब्रेडबोर्ड के प्लस वाले पिन में कनेक्ट करना होगा, और सॉइल मॉइस्चर का जो A0 वाला पिन होगा उसे हमें Arduino के A0 वाले पिन में कनेक्ट करना होगा। सो इसी तरह से हमें दूसरे सॉइल मॉइस्चर सेंसर का भी कनेक्शन करना होगा। दूसरा सॉइल मॉइस्चर सेंसर का जो A0 पिन होगा उसे हमें Arduino के A1 वाले पिन में कनेक्ट करना होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों सॉइल मॉइस्चर सेंसर का कनेक्शन कर लिया है। सो अब यहाँ पर हम रिले को कनेक्शन करेंगे। सो इसी तरह से हमें रिले का भी GND वाला पिन इस ब्रेडबोर्ड के माइनस वाले पिन में कनेक्ट करना होगा, और रिले का जो VCC वाला पिन होगा उसे हमें इस ब्रेडबोर्ड के प्लस वाले लाइन में कनेक्ट करना होगा, और रिले का जो इन वाला पिन है उसे हमें Arduino के डिजिटल पिन नंबर 8 में कनेक्ट करना होगा। सो अब यहाँ पर हम इन दोनों सर्वो मोटर का कनेक्शन करेंगे। सो सर्वो मोटर का जो ऑरेंज वाला पिन है ये आउटपुट है, और जो रेड वाला पिन है ये है VCC, मतलब कि 5 वोल्ट, और जो ब्राउन वाला होगा वो है GND। सो यहाँ पर मैंने ये टेप लगा रखा है जंपर वायर कनेक्ट करके, ताकि बाहर ना निकले। सो यहाँ पर हमें इन जंपर वायर को Arduino से कनेक्ट करना होगा। सो चलिए जल्दी से करते हैं। सो यहाँ पर जो सर्वो मोटर का रेड वाला पिन होगा उसे हमें ब्रेडबोर्ड के इस प्लस वाले पिन में कनेक्ट करना होगा, और सर्वो मोटर का जो ब्राउन वाला पिन होगा उसे हमें ब्रेडबोर्ड के इस माइनस वाले पिन में कनेक्ट करना होगा, मतलब कि इस ब्लू वाले लाइन में।
और सर्वो मोटर का जो ऑरेंज वाला वायर होगा उसे हमें आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 9 में कनेक्ट करना होगा यहाँ पर। इसी तरह से हमें इस दूसरे सर्वो मोटर को भी सेम कनेक्शन करना होगा। अब यहाँ पर हम इस रिले में वाटर पंप और बैटरी को कनेक्ट करेंगे। रिले का ये जो दो पिन दिख रहा होगा, इन दोनों पिन का हमें यहाँ पर काम है। रिले का जो नो वाला पिन दिख रहा होगा उसमें हमें बैटरी का प्लस वाले वायर को कनेक्ट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर इस वाटर पंप का जो एक वायर होगा उसे हमें रिले के कॉम वाले पिन में कनेक्ट करना होगा। वाटर पंप का जो दूसरा वायर होगा और बैटरी का जो माइनस वाला वायर होगा उसे हमें इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करना होगा। रिले जो है यहाँ पर एक स्विच बटन की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा कनेक्शन ये हो चुका है और आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस डायग्राम के हिसाब से हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 90% कंप्लीट हो चुका है बनकर। हमें इन दोनों वाटर पंप में पाइप को कनेक्ट करना होगा। पाइप का जो दूसरा साइड होगा उसे हमें सर्वो मोटर के ऊपर कनेक्ट मतलब कि स्टिक करना होगा। ये सब काम हो जाने के बाद हमें इन सभी कंपोनेंट्स को इस सनबोर्ड शीट में अच्छे से सेटअप करना होगा ताकि दिखने में भी ये अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी रात को 1 बज रहा है जिसकी वजह से मैं अभी इसका वर्किंग टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा। मिलते हैं मॉर्निंग में। 2000 years later. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह से यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। आप भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया है। और यहाँ पर आप ध्यान जरूर रखना कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में वाटर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। और यहाँ पर मैंने इन दोनों सॉइल मॉइस्चर सेंसर को कुछ इस तरह से ज़मीन पर अटैच किया हुआ है। और मैंने पिछले बार एक और वीडियो बनाया था सॉइल मॉइस्चर सेंसर को यूज़ करके। आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर ये जो सर्वो मोटर है ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा। चलिए मैं इसका वर्किंग दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। कुछ इस तरह से जब ये मिट्टी सूख जाएगा तो ये ऑटोमेटिक इसका वाटर पंप होगा ये ऑन हो जाएगा, जिससे कि दोबारा से यहाँ पर वाटर आ जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल में सेलेक्ट करना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप चाहें तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपना आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे साइंस प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।